जय हिंद बच्चों। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी हमारा देश प्राकृतिक संपदाओं से और हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। हमारे यहाँ राजा महाराजा, शहंशाह और बादशाहों का राज हुआ करता था और लोग बड़े खुश थे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे भारत में घुस आया और हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत कमज़ोर बना दिया, यानी हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। और फिर धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया जब राजा महाराजा और बादशाहों, शहंशाहों और नवाबों का सिंहासन डोल गया, यानी ये सारी सत्ता उनसे छीन ली गई और उन्हें साधारण लोगों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो यहाँ जो नवाब थे, उनको अपना जीवन स्तर को नीचे स्तर तक लाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये रहन सहन उनको विरासत में मिली थी और विरासत में मिली चीज को इतने आसानी से छोड़ना उनके लिए असंभव जैसा था। तो उस जमाने में हमारे लेखक यशपाल सिंह जी एक ऐसे नवाब से मिलते हैं जिनकी नवाबी तो चली गई थी, लेकिन अपने नवाब होने का जो उनका गुरूर था, जो घमंड था, वो अब भी नहीं गया था। वो अपने को सर्वश्रेष्ठ और सबसे अलग नवाबी खानदान का बहुत ही खास व्यक्ति समझता था और लेखक यह जानता था कि इनकी नवाब भी तो चली गई, लेकिन नवाबों जैसा रहन सहन इनको उसका चोला उतारने में कुछ समय अब भी लगेगा। तो बच्चों, ये पाठ लखनवी अंदाज वहाँ से शुरू होता है जब लेखक एक सेकंड क्लास ट्रेन का टिकट लेकर सवारी करने निकलते हैं। उनका मानना था कि सेकंड क्लास में अगर सवारी करूँगा तो मुझे अपनी नई रचना में कुछ सहयोग मिलेगा, कुछ शांति के पल मिलेंगे, वहाँ बैठकर मैं अपनी कुछ नई रचनाओं का निर्माण करूँगा। लेकिन जब वो डिब्बे में पहुंचते हैं तो उनको एक नवाबों जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति दिखा, जो पालथी मारकर नवाबों के तहजीब लिए बैठा हुआ था। लेखक को देखते ही उसके चेहरे पर झुंझलाहट के भाव लेखक को नजर आया। तो लेखक को यह बात समझ आ गया कि शायद लेखक का उस डिब्बे पर आना उस व्यक्ति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शायद वह भी अकेला ही सफर करना चाहता था। तो बच्चों, कहानी यहाँ से शुरू होती है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। ये किसकी बात चल रही है? लेखक की बात चल रही है। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी लेखक ने सोचा था कि डिब्बा खाली पड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पुरसज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा,
हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत थी। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने का अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मजले दर्जे में सफर करता देखे। इसका मतलब ये है बच्चों, वो नवाब नहीं चाहता था कि एक एजुकेटेड यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति उसे इस तरह का सेकंड क्लास में सफर करते हुए देख ले, पर ऐसा होने से उनके सम्मान को ठेस पहुंचने की आशंका थी। तो बच्चों आगे क्या होता है, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। यहाँ बच्चों हम लेखक की बात कर रहे हैं ना, लेखक जो है बार बार नवाब साहब को तिरछी नजर से देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाइए। तो बच्चों नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा, भाप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते थे, यानी लेखक कहते हैं कि नवाब लेखक को एक साधारण सा मामूली सा इंसान समझकर उसे खीरे के लिए दावत दे रहे थे, और जवाब दिया शुक्रिया किबला शौक फरमाए। अर्थात लेखक ने भी अकड़ से कहा नहीं नहीं आप ही खाइए। ठीक है, फिर क्या होता है बच्चों, नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से यानी बहुत ही सावधानी से छील कर फांकों को करीने से तौलिए पर सजा दिया। बात समझ में आई, उन्होंने क्या किया, खीरे को धोया, पहले पोंछा, फिर लंबाई में काटा और सजा कर तौलिए में रख दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च को पुड़िया भी हाजिर कर देते थे, यानी मिर्च और नमक का मिला हुआ पाउडर रखकर वो खीरे पे छिड़क देते थे और लोगों को देते थे। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों को जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी यानी उसमें छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। अर्थात जिस तरीके से नवाब साहब खीरे की सा जो कार्यवाही कर रहे थे, इस समय नवाब के मुंह पे पानी आ रहा था। जैसे हम जब इमली देखते हैं, आम देखते हैं, तो हमारे मुंह में भी पानी आता है ना, उसे खाने के लिए हमारा मन ललचा जाता है। तो ठीक इसी तरह नवाब साहब के ये जो नवाब बना जो व्यक्ति बैठा था, उसके भी अंदाज से लग रहा था कि उसके भी मुंह से पानी निकल रहा है। हम
कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस तो बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने के ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब आत्मसम्मान की बात थी, इसीलिए जल्दी से ले लेना या फिर जल्दी से स्वीकार कर लेना, ये मेरे फितरत में नहीं थी। अतः मैंने मना कर दिया, मैंने यानी लेखक ने खाने से मना कर दिया। अब नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यानी सजी सजाई अच्छे सुंदर फाके कटे हुए और उस पर नमक मिर्च छिड़का हुआ, मुँह का पानी जो है उसे खाने के लिए ललचाया जा रहा था, उसी लालच भरी नजरों से नवाब भी खीरा को देख रहा था। लेकिन आगे क्या हुआ बच्चों पता? खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ लंबी सांस लिए, दीर्घ सांस यानी लंबी सांस लिए, खीरे की एक एक फाक को उठाते, देखते, सूंघते और फिर उसे खिड़की से बाहर फेंक देते। देखिए बच्चों, उस व्यक्ति का नजाकत देखिए, बराबर से फांकों को उठाते, मुंह तक लेके जाते, लेकिन सूंघते और सूंघने के बाद उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देते। तो नवाब साहब जब जब उस खीरे को फेंक रहे थे, मुंह में भर आए पानी की घूंट गले से उतार भी रहे थे, यानी फेंकने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि सामने एक सफ़ेद पोश व्यक्ति उसे देख रहा था और क्योंकि वो नवाब ही दिखाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए खाने के बजाय उसे फेंक रहा था। तो उनका मन खीरे को खाने के लिए ललच तो रहा था, लेकिन अपनी नवाबी का ढोंग करने के कारण उसे वो एक एक करके बाहर फेंकने लगा। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक, तौलिए से हाथ और होंठ दोनों पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हो यही है खानदानी रईसों का तरीका। देखा बच्चों, किस तरह से उस व्यक्ति ने अपनी नवाबी होने का ढोंग किया। हालात ये थे कि उसे उस खीरे को खाना था, लेकिन एक पढ़े लिखे एक सभ्य व्यक्ति के सामने होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया और झूठी शान दिखाने में उसने सारे खीरे फेंक दिए। अब नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा, यानी मैं भी अब इत्मीनान से लेट जाना चाहता था या फिर अपनी सोच में गुम होना चाहता था। और मैं इस बात को भी सोच रहा था, यह है खानदानी तहजीब, नफायत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एक्सलेंट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? तो यहाँ लेखक एक प्रश्न करते हैं कि नवाब ने हमें यह दिखाया कि खीरे को सूंघ कर हम यह अनुमान कर सकते हैं कि मैंने खा लिया और उसने एक लंबी डकार भी ले ली, उसने ये बता दिया कि अब मैं पेट भर कर खा लिया हूँ। लेकिन लेखक प्रश्न करते हैं, क्या किसी चीज़ को सूंघ लेने भर से ही पेट की तृप्ति यानी पेट का भूख शांत हो सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है
लेकिन होता है शकील, अर्थात बहुत ही स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन इससे पेट खराब होने के बहुत ही बड़ा कारण भी है। नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है, अर्थात यह खीरा जब भी खाओ तो पेट भारी हो जाता है, यानी पेट खराब हो जाता है। ज्ञान चक्षु खुल गए मेरे, यानी लेखक के, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। देखो बच्चों, मैंने शुरू में ही कहा था लेखक के पास कहानी नहीं थी, कुछ रचना नहीं थी, वो रचना करने के ही उद्देश्य से शांत बैठने के लिए ही उसने ट्रेन का सेकंड क्लास का टिकट लेकर सफर करने का सोचा था। लेकिन यहाँ तो बिना पात्र के, बिना ही किसी कहानी के ही लेखक की रचना हो गई। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो लेखक सोचता है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक क्या अपनी रचना नहीं कर सकता? तो लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो इस तरह से लेखक उस नवाब के जो खीरे खाने और बनाने और देखने और काटने की जो प्रक्रिया है, उससे ही एक लेख तैयार कर दिए, जिसमें नवाबी के झूठे दिखावे को व्यंग्य करते हुए लेखक ने हमें यह लेख या यह पाठ भेजा है। तो बच्चों, इस पाठ को आप अच्छी तरह से अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ें, और अब मैं आपको कुछ शब्दार्थ बताती हूँ। ये ज़्यादा उर्दू शब्दों से संकलित है यह पाठ, तो आपको मैं शब्दार्थ बता देती हूँ, आप ध्यान दीजिए। मुफस्सिल अर्थात केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। सफेद पोश यानी भद्र व्यक्ति, यानी एक पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति। किफायत यानी मितव्ययता या समझदारी से उपयोग करना। आदाब अर्ज यानी अभिवादन का एक ढंग, जैसे हम नमस्कार करते हैं वैसे जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो आदाब अर्ज करते हैं। गुमान यानी भ्रम। एहतियात यानी सावधानी। बुरक देना यानी छिड़क देना। स्फुरण यानी फड़कना या हिलना। प्लावित पानी भर जाना, जैसे मुंह में पानी भर आता है ना, उसे कहते हैं। तो पनियाती मतलब रसीली, और मेदा मैंने आमाशय। तस्लीम यानी सम्मान में। सिर खम करना यानी सिर झुकाना। तहजीब यानी शिष्टता। नफासत यानी स्वच्छता। नजाकत यानी कोमलता। नफीस मतलब बढ़िया। और सकील यानी आसानी से न पचने वाला। बच्चों, शब्दार्थ के बाद हम प्रश्नोत्तर की ओर जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव-भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? उत्तर है, जब लेखक दूसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़ा तो वहां पर बैठे एक नवाब साहब के हाव भाव देखकर ऐसा लगा जैसे वह उस डिब्बे में अकेले ही सफर करना चाहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों से नवाब साहब के हाव भाव को समझा जा सकता है। जैसे पहला, लेखक को देखते ही नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव दिखाई देने लगा। दो, नवाब साहब ने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की। और तीसरा, नवाब साहब लेखक की ओर देखने की बजाय खिड़की की ओर देखने लगे। ऐसा होता है ना बच्चों, जब हम सफर करते हैं बस में, तो हमारे बगल जो बैठता है, हमारी एक जिज्ञासा होती है कि हम उनको जाने पहचाने, उनसे बात करें। तो यहाँ दो लोग एक ही डिब्बे में बैठे हैं, लेकिन एक की तरफ से नकारात्मकता की झलक देखकर लेखक भी उनसे थोड़ा अलग ही रहने के बारे में सोचता है। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने
बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो बच्चे इसका उत्तर है, नवाब साहब ने बहुत ही जतन से खीरा काटा, नमक मिर्च छिड़का और अंत में उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। संभवतः लेखक को नीचा दिखाने की कोशिश की होगी और अपने खानदानी रईसी का परिचय देने के लिए उसने ऐसा किया होगा। उसका ऐसा करना उसके अभिमानी स्वभाव को दर्शाता है और उसके दिखावेपन के ढोंग को दर्शाता है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? यशपाल के इस विचार से हम पूर्णतः सहमत है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। अनेकों बार ऐसी बात अपने आप होती चली जाती है जिसके विषय में ना तो हमने कभी सोचा होता है और ना ही विचार किया होता है। वह बात बढ़ते बढ़ते एक कहानी का आकार ले लेती है और घटना न होते हुए भी वह घटित हो ही जाती है। देखने में तो वह एक मामूली सी बात होती है, लेकिन वह एक कथा का रूप धारण कर लेती है। तो बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप इस निबंध को क्या नाम देना चाहेंगे? तो हमारे हिसाब से इस निबंध का दूसरा नाम रस्सी जल गई पर ऐंठ ना गई होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। पांचों प्रश्न में आपको दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कब नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की पूरी तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो उत्तर है, नवाब साहब ने तौलियों को झाड़कर अपने सामने बिछाया, सीट के नीचे रखे लोटे को उठाकर पास में रखे दो खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिये से पोछा, फिर जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिरे काटे और रगड़ कर झाग निकाले, खीरे को बड़ी सावधानी से छीला और उनकी फांके बनाकर तौलिये पर सजा दिया। नवाब साहब ने उन खीरों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च भी छिड़का। अगला प्रश्न है, किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारियां करते हैं? हमारा उत्तर है, जिन चीजों का हम रसास्वादन करना चाहते हैं उनकी कल्पना मात्र से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जैसे लाल टमाटर का रसास्वादन करने के लिए हम उसे अच्छी तरह से धोकर काट लेंगे, तरबूज का रसास्वादन करने के लिए तरबूज को काट कर उसकी फांके बनाकर उसे पेट में सजा देंगे, तरबूज में उसके बीज को निकाल कर उस पर यदि चाहो तो नमक का भूरा छिड़क देंगे, और यदि आपको आम खाने हो तो आम के पतले पतले फांके बनाकर उसमें भी हम काली मिर्च का बुरादा छिड़क कर खा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यह प्रश्न भी पूरा हुआ। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौकों के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। बच्चों, यह प्रश्न जो है आपको अपनी रचना कला को यानी अपनी रचनात्मक शैली को अच्छा यानी कुशल बनाने के उद्देश्य से यह प्रश्न दिया गया है। आप इसे अपने तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ हमारा उत्तर है, नवाब लोग अपनी वस्तु हैसियत आदि को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और बताते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति के व्यक्ति गरीबों को कभी भी महत्व नहीं देते, वह गरीबों का शोषण करके उनसे प्राप्त धन संपत्ति से ही अपना इतना बड़ा खानदानी महल और रुपया पैसा बना लेते हैं। इस तरह की सोच के व्यक्ति समाज कल्याण और मानव कल्याण के लिए तो कोई भी कार्य नहीं करते, बस अपने ही बारे में सोचे यानी
पूर्णतः हम कह सकते हैं कि वे स्वार्थी होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। हाँ, यदि सनक किसी समाज कल्याण या मानव कल्याण की भावना से जुड़ी हुई है तो वह सकारात्मक हो सकता है। बच्चों, ये प्रश्न आपको शायद समझ में नहीं आएगा, मैं उसको साधारण शब्दों में बताती हूँ। सनक का तात्पर्य यह है कि किसी भी एक काम करने की एक जो ललक होती है, अगर ये ललक सही काम के लिए हो तो ये सकारात्मक हो सकता है। सही काम से हमारा तात्पर्य क्या है कि अगर हमारे अंदर किसी के लिए सेवा भावना भरी हुई हो और हम उसके लिए एकदम सनक यानी उस काम को करने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं तो ये एक सकारात्मक रूप दिखाता है। या हमें किसी के मदद करने की भावना हमारे अंदर है, वो मदद किसी भी तरह से हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है, आर्थिक रूप से हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है। शारीरिक रूप से हमारा तात्पर्य ये है कि अगर कोई लंगड़ा है तो हम उसे सहारा देकर रास्ता पार करा सकते हैं, कोई अंधा है तो हम उसे रास्ता पार करा सकते हैं। और आर्थिक रूप से तात्पर्य है किसी को पैसे रुपयों की ज़रूरत है तो हम उसे कुछ पैसे और रुपये देकर उनकी मदद कर सकते हैं। यानी एक ललक होती है, काम करने का एक सनक होता है जिसको करने के लिए हम आगे पीछे नहीं सोचते हैं, बस करते ही चले जाते हैं। तो यही हमारा तात्पर्य है कि यदि वह सनक अच्छी है यानी अच्छे कार्य के लिए है तो ये सकारात्मक रूप ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनवी अंदाज पाठ का क्या उद्देश्य? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, लखनवी अंदाज पाठ का उद्देश्य यह है कि बिना कथ्य, बिना शिल्प, बिना पात्र, बिना प्रयोजन के ही कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन एक स्वतंत्र रचना के रूप में इसे लिखा और पढ़ा जा सकता है। लखनवी अंदाज बनावटी जीवन पर व्यंग्य करने के उद्देश्य से लिखा गया है, यानी अगर लेखक चाहे तो कहीं भी कुछ भी लिख सकता है, जैसा कि हमारे सामने ये उदाहरण है, ये पाठ लखनवी अंदाज। बच्चे, हमारा अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में क्या संदेश है, यानी इस पाठ का क्या संदेश है? लखनवी अंदाज पाठ का संदेश यह है कि विकसित होते हुए आज के समाज में विदेशी संस्कृति और सभ्यता जड़ जमाती जा रही है, अतः हमें अपनी वास्तविकता को स्वीकार करके विदेशी जीवन शैली का त्याग करना चाहिए। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि हम पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाते चले जा रहे हैं और हमारी अपनी प्राचीन परंपरा, हमारी अपनी प्राचीन संस्कृति को हम नकारते चले जा रहे हैं। लेकिन बच्चों, वास्तव में हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृति इस देश की धरोहर है, इसमें मान्यता है, इसमें अभिमान है, सम्मान है, छोटों बड़ों का लिहाज है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे के करीब रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ परस्पर प्रेम का और आनंद का और मित्रता का व्यवहार कर सकते हैं यदि हम अपने पारंपरिक और पुरानी संस्कृति को अपना लें। तो हमारा अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन हैं? तो पाठ की शुरुआत में ही मैंने बताया था, लेखक यशपाल। हमारा अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो लखनवी अंदाज पाठ की साहित्यिक विधा व्यंग्य है, ठीक है? ये एक व्यंग्य है जो नवाब बने नकली व्यक्ति पर व्यंग्य किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक और नवाब साहब की प्रथम मुलाकात का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। लेखक और नवाब साहब की प्रथम मुलाकात पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास बोगी में होती है। लेखक के डिब्बे में आने से नवाब साहब को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब लेखक की ओर ना देखकर डिब्बे से बाहर देखने लगे। लेखक भी अपनी स्वाभिमानता को बनाए रखने के लिए
उनसे बात करने में पहल नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, बिना खीरा खाए नवाब साहब को डकार लेते देखकर लेखक क्या सोचने पर मजबूर हो गए। बहुत ही मजेदार प्रश्न है बच्चों, इसका उत्तर है, जब नवाब साहब खीरे को नाक के पास लगाकर सूंघ कर बाहर फेंकते थे, तब लेखक क्या सोचने पर विवश हो गए, क्या इस तरह सूंघने मात्र से पेट भर सकता है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, नवाब के व्यवहार को देखकर लेखक के मन में क्या विचार आया। उत्तर है, नवाब के व्यवहार को देखकर लेखक के मन में नवाब के नवाबी सनक संबंधी तरह तरह के विचार आए। यानी उस नवाब के नवाबी तो चली गई थी, लेकिन उसका जो ढोंग था वह लेखक देख रहा था। जैसे ही नवाब साहब ट्रेन में अकेले यात्रा करना जैसे कि नवाब साहब ट्रेन में अकेले यात्रा करना चाहते थे, दूसरी बात वह किसी से बातचीत भी नहीं करना चाहते थे। इस तरह से लेखक को नवाब के व्यवहार में खानदानी तहजीब, नवाबी तरीका, नजाकत और नफासत के भाव पूरी तरह फरे हुए दिखाई दे रहे थे, यानी कि ये सब उन्हें दिखावा लग रहा था। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मियां रईस बनते हैं, लेखक के कथन में निहित भाव क्या है। इसका उत्तर है, नवाब साहब के खीरे के प्रति इस तरह का लगाव देखकर लेखक ने सोचा कि मियां रईस बनते हैं, पर खीरे जैसे तुच्छ खाद्य वस्तु का इतना गहरा शौक रखते हैं। खीरा जैसा फल साधारण लोग खाते हैं, सच तो यह है कि रईस बनने का यह ढोंग कर रहे हैं। बच्चों हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न ले लेते हैं। डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा। हमारे विकल्प है, खुशी के, असंतोष के, दुख के, संतोष के। तो उत्तर है, असंतोष के। दूसरा प्रश्न, नवाब साहब ने खीरों की फांक का क्या किया। हमारे विकल्प है, खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेखक को दे दिया, खा गए, बच्चे को दे दिया। तो सही विकल्प है, खिड़की से बाहर फेंक दिया। हमारा तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था, कौन देख रहा था बच्चों। तो हमारे विकल्प है, बच्चा, लड़की, लेखक, या इनमें से कोई नहीं, लेखक देख रहा था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया। हमारे विकल्प है, अमीरी दिखाने के लिए, पेट भरने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, अमीरी दिखाने के कारण यही सही विकल्प है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया था। हमारे विकल्प है, आराम से यात्रा करने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प है, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का कारण क्या बताया। विकल्प है, उन्हें खीरा पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प है, इच्छा नहीं है। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया, बताइए बच्चों। तो विकल्प है, बादाम, खीरा, बिस्किट, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, खीरा। अगला प्रश्न है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था। हमारा विकल्प है, क अखबार, ख पुस्तक, ग खीरा और घ पत्रिका। बिल्कुल सही, खीरा। तो हमारा अगला प्रश्न है, नवाब साहब को क्या गंवारा न था। विकल्प है, मझले दर्जे में यात्रा करते दिखना, ख लेखक से बात करना,
खीरा खाना और घ इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है मझले दर्जे में यात्रा करते दिखना। हमारा अगला प्रश्न है, थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? तो विकल्प है नवाब साहब की, यात्रा की, लेखक की या कवि की। तो सही विकल्प है लेखक की। अगला प्रश्न है, वार्तालाप की शुरुआत किसने की? विकल्प है लेखक ने की, नवाब ने की, दुकानदार ने की या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है नवाब साहब ने की। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? तो विकल्प है खिड़की की तरफ देख रहे थे, घर की तरफ, स्टेशन की तरफ, नवाब साहब की तरफ। तो सही विकल्प कौन सा है? नवाब साहब की तरफ। अगला प्रश्न, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? विकल्प है क नवाब साहब, ख लेखक, ग खीरा बेचने वाले, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है खीरा बेचने वाले। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? क खा गए, ख खिड़की से बाहर फेंक दिया, ग नवाब साहब को दे दिया और घ इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो बच्चों इस तरह से यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।